मैंने अपने घर वालों से बात की तो मैंने कहा उनसे कि मुझे पायलट बनना है, ठीक है। तो पायलट बनने के बाद मैंने कहा मुझे जो मैंने अपने तनखे से जितना मैंने कमाया था उसके बाद, और अपने घर वालों से बात की तो उसके लिए फाइनेंशियली होना बहुत ज़रूरी है। और पायलट बनने के लिए आपको मैंने पहले ही ऑलरेडी मैंने गाइडेंस किया था एक पायलट से, तो उन्होंने बोला आपको तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी है पायलट बनने के लिए। उसके लिए जो आपको एक फिजिकली मेंटली और एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है, आपका फिजिकल फिटनेस होना बहुत ज़रूरी है, नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें जो है चीज़ें जो है ना, आप जब कॉकपिट में चले जाते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको एकदम से करना होता है, अगर आप लेट करोगे तो ये चीज़ें जो है आप फेल कर दोगे। तो मेरा आईटी क्लियर करने के बाद तो मैं चला गया था वहाँ पे साउथ अफ्रीका में, वहाँ पे पोर्ट एलिजाबेथ एक जगह है, वहाँ पे इंडियन ओशन के पास में ही है, और दूसरी जगह है वहाँ पे जोहानिसबर्ग, और कैप्टन आपने नाम सुना होगा वहाँ पे, ठीक है। तो जाने से पहले तो मुझे डर लगा था कि वहाँ पे काले वगैरह होंगे, पता नहीं क्या होगा, है ना। तो वहाँ से मैंने अपनी ट्रेनिंग शुरू की, ट्रेनिंग शुरू करने के बाद उसमें जो है तीन स्टेप होता है, इसमें एक होता है आपका एसपीएल स्टूडेंट पायलट लाइसेंस, और दूसरा होता है आपका प्राइवेट पायलट लाइसेंस, और तीसरा होता है आपका कमर्शियल। ये तीन चीज़ें जो है, ये तीन स्टेप जो है आपको क्लियर करना होता है। तो सबसे पहले आपको क्लास वन मेडिकल होता है और क्लास टू मेडिकल होता है, और क्लास टू मेडिकल जो है आपको जब तक आपका पीपीएल क्लियर ना हो प्राइवेट पायलट लाइसेंस तब तक आपका जो है क्लास टू मेडिकल तो वो नहीं देते। उसके बाद अब आप कमर्शियल के लिए जब आप फ्लाई करते हो, कमर्शियल मतलब मल्टी इंजन पे आप जब करते हो, ठीक है, तो इंडिया का रिक्वायरमेंट है वो है 210 घंटे का। तो ये सारी कमर्शियल करने के बाद आपका जो है आपके पास एक लाइसेंस होता है, प्राइवेट पायलट लाइसेंस और कमर्शियल लाइसेंस। तो हर कंट्री का अपना अपना वो होता है, रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, बहुत सारे हमें पढ़ना होता है उसमें भी। तो साउथ अफ्रीका में क्या है कि वहाँ पे 8 सब्जेक्ट आपको पीपीएल में क्लियर करना होता है और 10 पेपर, टोटल 18 पेपर आपको क्लियर करना होता है। तो ये सारे पेपर जो आपको क्लियर करने के बाद आपका जो एयरफोर्स के जो कैप्टन होता है वो आपसे टेस्ट लिया जाता है। वो शायद आपने आजकल के ज़माने में देखा होगा यूट्यूब पे या गूगल वगैरह पे आप सर्च करो तो Cessna 172 जो है Cessna 172, तो ये जो है आपको ट्रेनिंग उसमें मिला जाता है। तो उसमें दो कैप्टन, एक आपका कैप्टन और एज ए स्टूडेंट पायलट जो है वो बैठा होता है, तो वो आपसे टेस्ट लिया जाता है। उसमें जो है बहुत सारे एक्सरसाइज होता है, उसमें आपको स्पिन करना होता है, स्टैंड लेवल होता है, तो उसमें स्पीड मेंटेन करना होता है, एटीट्यूड मेंटेन करना होता है, आर्टीमीटर जो है उसका वर्टिकल स्पीड इंडिकेटर होता है, और तीसरा होता है आपका एटीट्यूड इंडिकेटर जिसमें आप जमीन से आप कितना ऊपर है और आसमान से कितना नीचे है, ये सारी चीज़ें आपको दिखाया जाता है। तो वहाँ पे 15 एक्सरसाइज आपको खत्म होने के बाद फिर आपका टेस्ट लिया जाता है कैप्टन, तो आपके सारी चीज़ों को कुछ नहीं करेगा, जाते जाते आपको ऐसी फील्ड में लेके जाएगा जहाँ पे कोई नुकसान ना होगा, तो आपको कोई इंजन फेलियर हो जाए या इमरजेंसी अगर रेडियो फेल हो जाए तो उस टाइम पे आपको अगर कहीं भी अगर लैंडिंग करना हो तो उस टाइम पे जो है आपके कोई घर वर नहीं होने चाहिए और पेड़ पौधे वहाँ पे नहीं होने चाहिए और जहाँ पे मवेशी वगैरह कैटल वगैरह वहाँ पे नहीं होने चाहिए ताकि उनको नुकसान ना पहुँचे। ऐसी जगह जहाँ लेकर जाते हैं जहाँ पे आपको कोई नुकसान ना हो, तब आप सेफली आप लैंडिंग कर सकें, ठीक है, क्योंकि ये मैकेनिकल है, कुछ भी हो सकता है कि नहीं, चाहे गाड़ी का हो जो आप चलते चलते क्या पता आपका इंजन रुक जाए, कोई भरोसा नहीं है ना। इसलिए जो है ये सारी चीज़ें जो है हमें एक 15 एक्सरसाइज करनी होती है, 15 एक्सरसाइज करने के बाद आपको एक कैप्टन वो आपका टेस्ट लिया जाता है। टेस्ट लेने के बाद आपका ये जो है सर्किट पैटर्न होता है, जैसे आपका ये रनवे हो गया, फिर उसके बाद आपको उसमें टेक ऑफ करने के बाद आपका एक डाउनविंग आता है, फिर उसके बाद एक डाउनविंग आता है, फिर इसको जैसे आपका ये रनवे है, ठीक है, तो आपके पैरेलल में बिल्कुल आपका ये डाउनविंड होता है, फिर उसी सर्किट में आपको एक ही एल्टीट्यूड जो वो मेंटेन करना होता है, एक स्पीड आपको मेंटेन करना होता है, जो ट्रैफिक के साथ एटीसी जो है एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जो है वो आपको उसके साथ कांटेक्ट में रहना बहुत जरूरी होता है। तो जैसे जैसे आपको बोलेगा वो आप लैंडिंग अप्रोच टू रनवे 29 जो 360 डिग्री का एंगल होता है उसी के हिसाब से वो रनवे बनाया जाता है, जैसे आपने रनवे पे देखा होगा 2930 ऐसा, तो वो जो है पायलट को इतना समझ आ जाता है कि मतलब अगर ये 29 है तो आगे वो जीरो खुद ही लगा देते हैं कि ये 290 एंगल में ये वो उसका रनवे है, तो ये 360 डिग्री एंगल में बनाया जाता है। तो मेरा ये सारी चीजें बनाने का मकसद ये है कि जहां पे आपको गाइडेंस के लिए बहुत जरूरी है ताकि आपको गाइडेंस मिले इंसान को, हमें जो है यहाँ पे एक्सपोजर बहुत कम मिलता है आजकल के जमाने में, ताकि हम बहुत हमारे पास सोशल मीडिया के जरिए हमें बहुत सारी चीजें मिलता है, जितना हो सके आप गूगल पे सर्च करो, गूगल पे जितना आप सर्च करोगे जो चीज़ आपको यहाँ पे सर पढ़ा रहे हैं, अगर आपको पूछने में अगर आपको शर्मिंदगी अगर फील हो रहा है तो वहाँ पे आप अपने
फोन में घर जाके वहां से सर्च करो, सर ने आज ये चीज मुझे बताया था, ये चीज आपको गूगल जो है आपको सारी चीजें आपको बता देंगे, और यूट्यूब पे आप सर्च करोगे, यूट्यूब पे कोई ऐसी चीजें फालतू चीजें मत देखो जो कि आप अपने डाटा जो वेस्ट क्यों कर रहे हो, उसमें आपके बहुत सारी चीजें फिजिक्स का है, मैथ है, आपका अभी जितने भी आपका सब्जेक्ट है वो सारी चीजें आपको आज गूगल पे है, उसमें आपको इतने आसान से समझाया जाता है, कल को आप यहाँ पे आके वहां से आप तैयारी करके आ जाओ और क्लास में आके वही चीजें फिर सर आपको बढ़ाएंगे ना, तो आपको डबल समझ आ जाएगा। तो मेरा जो मकसद है आपको ये चीजें जो है आपको समझ आना बहुत जरूरी है, और गाइडेंस जो है बहुत जरूरी है। 10th से पहले और 12th से पहले आपको कंबाइंड सब्जेक्ट क्यों होता है, इसलिए ताकि मुझे ये सारी चीजें समझ में आ जाए, फिजिक्स केमिस्ट्री साइंस ये वगैरह, सोशल होता है, ज्योग्राफी होता है, ये सारी चीजें होता है कि नहीं होता है, कंबाइंड इसलिए होता है ताकि आपको ये समझ आ जाए कि कल को मुझे अगर बनना है तो किस चीज में मुझे ज्यादा इंटरेस्ट है, तो उसके बाद 12th में जाने के बाद 12th से जब आप क्लियर हो जाते हैं फिर आप क्लियर ये कॉलेज वगैरह में जाते हो, फिर आपका स्ट्रीम चेंज हो जाता है मेडिकल नॉन मेडिकल आर्ट्स वगैरह में, है ना। तो इसलिए देखो आर्ट्स में तो आपका मैथ्स नहीं आता, तो आप सवाल पूछोगे कि यार मैंने तो मैथ्स में इतना इंटरेस्ट था, और जाके आप किसी और दूसरे रास्ते में, जहां आपका इंटरेस्ट है उसी रास्ते में आप जाओ, ये नहीं कि मतलब कल को आपने साइंस पकड़ा था लेकिन आप सोच रहे थे यार मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है, उससे पहले आपने अपना पक्का जो है वो इरादा पक्का करना है, इरादा यार मुझे डॉक्टर बनना है तो मुझे इस चीज में मेहनत करना है, उससे पहले आपके सीनियर जो भी होगा उस सीनियर से आप जो है अपना गाइडेंस जो है वो आप उसको कॉल करके उसको फोन करके, आपके जो दोस्त यार आपके भाई वगैरह होंगे आपके बहने होंगे जो जिस चीज की तैयारी कर रहे होंगे उनके पीछे लगे रहो, ये मत सोचो कि यार मुझे अगर मैं उसको फोन करता हूँ मुझे डर लगेगा मुझे शर्मिंदगी फील होगी, ये मत सोचो कभी भी, जब भी हो तो वहां पे जाकर उनसे पूछो मुझे बनना है या फिर जो भी आप बनना चाहो, चाहे डॉक्टर बनना चाहो, चाहे इंजीनियर बनना चाहो, चाहे पायलट बनना चाहो, तो उस बंदे का पीछा मत छोड़ो, ठीक है, उस बंदे को बोलो मुझे यार इंट्रेंस की तैयारी कैसे करनी है, कौन से सब्जेक्ट में ज्यादा उसके ऊपर जोर दूं जो मुझे आसान लगे, कौन से कोचिंग मुझे ज्वाइन करना है, ये सारी चीजें तो आपको गाइडेंस मिलेगा ना, गाइडेंस मिलने से फायदा ये है कि आपको आगे जाके आपका जिंदगी जो वो आसान हो जाता है, जब आप कल को सोचोगे यार मैंने अपनी मर्जी से किया था मुझे बनना था इंजीनियर गया मैं MBBS की तैयारी करने, तो आपको जहां आपको शौक नहीं है, जहां आपको कोई वो चीज क्या बोलते उसको इंटरेस्ट नहीं है, तो उसमें क्यों जाना है, ये मत सोचो कि यार लोगों की बातों में कभी मत जाना, ये मैं कह रहा हूँ आपको, मकसद ये है आपके घर वाले अगर कह रहे हो यार मेरे बच्चे ने डॉक्टर बन जाए, जब आपको इंटरेस्ट ही नहीं है तो करके तो घर वालों की बात क्यों है, है कि नहीं, जब आपको जहां भी आपको शौक है जहां आपको इंटरेस्ट है उसी फील्ड में आप चले जाओ, और ये मत सोचो कि अगर मैं इस फील्ड में चले जाऊँ तो यार लोग पता नहीं क्या कहेंगे, ये सारी चीजें, ठीक है, जहां शौक है उसी में ही चले जाओ, और उस बंदे का पीछा मत छोड़ो जिस बंदे ने होगा आपका ऐसा लगेगा कि आप जैसे एक एक्चुअल फ्लाइंग आप कर रहे हो, ठीक है, तो वो स्क्रीन पर सारी चीजें जैसे आप गेम वगैरह खेलते हो ना तो वैसे ही है, तो आपका जो है पीछे आपका एज एक फर्स्ट ऑफिसर एक कैप्टन बैठा होगा साथ में, उसके पीछे जो एयरफोर्स का या तो रिटायरमेंट जो कैप्टन होगा वो आपके पीछे बैठा होगा, आप जितना चलाकी करने की कोशिश करो वहां पे फ्लाइंग का कंट्रोल अगर आपको नहीं आता थोड़ा बहुत ये ऊपर नीचे नहीं हो रहा, तो क्योंकि जब आप स्मूथ या जब आप फ्लाइंग करते हो ना जब आप जहाज में चढ़े होंगे तो उसमें आपको लगा कि मतलब कोई मतलब इस तरह से जैसे ऊपर नीचे वगैरह या दाएं बाएं इस तरह से हो रहा है, कभी नहीं ऐसा फील नहीं हुआ होगा, कि मतलब ये होता है कि एक्सपीरियंस पायलट की जो फ्लाइंग होता है ना जब टर्बुलेंस होता है, जब टर्बुलेंस होता है वो तो नेचुरल सी बात है कि मतलब जहाज को धक्का तो लगना ही लगना है, ठीक है, तो उसमें जो है एक सिमुलेटर में तो आपको लगेगा कि एक्चुअल फ्लाइंग कर रहे हैं, तो आपके पीछे जो है जो कैप्टन बैठा होगा वो आपको सारी चीजें जो आपको कंप्यूटर पर A to Z आपको दिखाई देगा, वो पास फेल उसी से कराता है जब आपको स्क्रीन पे दिखाई दी गई है ना कि उसने कितना गलत किया है, कितना मेंटेन किया है, कितना मीटर एटीट्यूड वगैरह स्पीड वगैरह हेडिंग वगैरह ये सारी चीजें, तो इसका जो रेडी टेलीफोनिक टेस्ट होता है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का, ये इंग्लिश का एक टेस्ट होता है जिसको हम रेडी टेलीफोनिक टेस्ट कहते हैं, तो वो जो है आपका एक माइक लगाया जाता है आगे पीछे, तो वो पीछे से आपको रिस्पॉन्ड करना होता है वही चीज है, ठीक है, तो टैक्सी वगैरह करते हैं टेक ऑफ वगैरह करते हैं, किसी आपको दूसरे एयरपोर्ट पे जाना होता है तो वहां पे जो है बहुत सारी प्लानिंग करके जाना होता है, वेदर की इन्फॉर्मेशन आपको लेना होता है, तो वहां पे रूट कहाँ पे है, ऑब्स्टेकल्स वहां पे है, तो पहाड़ किस साइड है, और ये वगैरह ये मकान वगैरह और ये घर वगैरह कहाँ पे, ये कोई ऐसी चीजें जहाँ पहाड़ नहीं होनी चाहिए, और वो सारी चीजें जो आप टेक ऑफ करने से पहले वो आपका प्लानिंग होता है कि ये आपका एक उसमें होता है एक अप्रोच चार्ट होते हैं जिसको हम अप्रोच चार्ट में आपका सारी चीजें आपको उस एयरपोर्ट पे जहाँ पे आपने जाना है तो वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है फ्रिक्वेंसीज उसमें दिखाया जाता है,
आप जब टैक्सी करते हो उसमें अलग से फ्रीक्वेंसी होता है, तो आप जब टैक्सी करते हो फिर उसके बाद टेक ऑफ करते हो उसके अलग से फ्रीक्वेंसी होता है जिसको हम एपरेंट कहते हैं। और ये सारी चीजें आपको इन्फॉर्मेशन देने के इसलिए ताकि ये है कि गाइडेंस जो इंसान के लिए बहुत जरूरी है। जब तक आप ये मत सोचो कि मतलब यार मैं आपसे क्या बात करूं और मुझे अगर मैं इसको कॉल करूं तो मैं पता नहीं ये क्या कहेंगे मेरे बारे में, ऐसा कभी मत सोचना। या आपका भी जो कैरियर है आप बनने जा रहा है वो ये पता नहीं, इसके बाद आप अलग होंगे, फिर 11th, फिर इसके बाद 12th है ना, फिर इसके बाद आप अपने स्ट्रीम में होंगे, कोई जम्मू में, कोई दिल्ली में, कोई कोलकाता में, कोई राजस्थान में, कोई पता नहीं फॉरन में होगा, है कि नहीं, किसी की किस्मत में ये भी लिखा होता, तो कल को जाएंगे फिर उसके बाद आप एक दूसरे से बात करेंगे, फिर उसके बाद मुलाकात होगा, फिर कोई बनेगा कोई डॉक्टर कोई इंजीनियर है ना, कल को आप भी आओगे यहाँ पे तो आप भी अपने स्टूडेंट से मिलने के लिए आओगे, तो आप ये सारी चीजें गाइडेंस जो है बहुत जरूरी है ताकि आप जो है अपने सीनियर से हमेशा बात करते रहो, टाइम पास कभी मत करना फालतू चीजों में, इसलिए मैं कह रहा हूँ ताकि अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। कल को ये नहीं कि आप जाके इतना माँ बाप में खर्चा करके ये सारी चीजें की है तो आप जाके कल को ड्राइवर बन जाओगे, किसी जाके कारखाने में जाके आप ऐसे फालतू चीजें काम करोगे, ये नहीं कहता हूँ कि यार मजबूरी इंसान की वो अलग बात है, लेकिन आपको माँ बाप ने प्राइवेट स्कूल में इसलिए भेजा ताकि गवर्नमेंट स्कूल आज जो है वो कम नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पे वो चीज का गवर्नमेंट की कमजोरी समझो या कोई भी हो, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल भी कोई कम नहीं है, लेकिन अगर उसके लिए अगर हिमायत करे चाहे कम्युनिटी मिलके या अगर कोई जोर दे उसके ऊपर तो प्राइवेट स्कूल से ज्यादा आगे जा सकता है, लेकिन हम गवर्नमेंट स्कूल को इसलिए कमजोर समझते हैं क्योंकि वहाँ पे टीचर कमजोर होता है, वहाँ कोई पढ़ाई ठीक नहीं मिलता है ना, तो इसलिए माँ बाप ने आपको इसलिए प्राइवेट स्कूल में भेजा है ताकि यार मेरा बच्चा कल को जाके बने और मेरी खिदमत करे, जितना उन्होंने अपने खून पसीना एक करके आपको बनाया है तो उसका एहसास जो है हम नहीं चुका सकते, ये तो आप सबको पता है कि यार जितना भी माँ बाप के लिए करे ना वो बहुत कम है, ना के बराबर है, जब आप कुछ बनोगे फिर उसके बाद आप जितना खिदमत आप अपने माँ बाप के लिए करोगे आपके खानदान जो है आपके जो रिश्तेदार जो है वो आपकी तारीफ करेंगे। यार आजकल के जमाना ऐसा है कि चाहे पढ़ा लिखा हो बंदा लेकिन वो अपने माँ बाप की केयर नहीं करता है ना, कोई है ऐसा बंदा जो हम देखते हैं आज की दुनिया में, लेकिन इस तरह के ये चीजें जो आपने माइंड से हटा देने ये सारी चीजें तो ये बहुत जरूरी है ताकि आपको ये सारी एक्सपोजर आपको मिले, और ये जो है एहसान कभी नहीं भूलना है, तो माँ बाप ने इसलिए आपको ये स्कूल भेजा है ताकि इंशाल्लाह शायद आप सबको ये चीजें समझ आए होंगे और फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। मैं आपका टाइम ये ज्यादा टाइम लिया मैंने आपका, तो मैं सर से भी माफी चाहता हूँ, तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम। Thank you.